अब तो ये भी बता दो मोदी जी, मैं शादी करने के बाद उसे हनीमून पर कहाँ ले जाऊंगा? बालकनी में। हेलो, हाँ मोदी जी, कैसे हो? ऐसा लगता है सब ठीक है। सब ठीक है तो फिर से आपने लॉकडाउन क्यों लगवा दिया? अच्छा नक, कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। क्या तेजी से बढ़ रहा है? अरे ये कोरोना पूरी तरह से कैसे ठीक होगा? मैं दिमाग लगा रहा हूँ अभी। अरे मोदी जी, क्या दिमाग लगा रहे हो? पिछली बार मैंने बहुत मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड बनाई थी तो आपने लॉकडाउन लगवा दिया, और अभी मेरी शादी होने ही वाली थी तो आपने फिर से लॉकडाउन लगवा दिया। अब हंस क्यों रहे हो? मैं तो आपको भी न्योता देने वाला था भंडारा खाने के लिए। न खाता हूँ न खाने दूंगा। आप क्या जानोगे अदरक का स्वाद? मैं तो जा रहा हूँ शादी करने। ये कतई ठीक नहीं है, न करें। क्यों? मुझे रंडवा थोड़ी मरना है। कोरोना का ये संकट सामान्य बात नहीं है। तो मोदी जी, घर में बैठे बैठे शादी हो सकती है क्या? बिल्कुल। अरे वाह, वो कैसे मोदी जी, जल्दी बताइए। फोन करके। क्या फोन करके? अच्छा वीडियो कॉल। बिल्कुल। हाँ तो वीडियो कॉल करके उसे आई लव यू बोलकर फोन को गोल गोल घुमा देना है। हाँ। और उसके बाद ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। मैं उसे धन्यवाद क्यों बोलूं? मैंने उसे पटाने के लिए बहुत मेहनत करी थी। ऐसी स्थिति में? अच्छा, ऐसी स्थिति में भी वो मुझसे शादी कर रही है इसलिए। बिल्कुल। वैसे तो मोदी जी, आजकल हर कोई फोन चला रहा है ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, तो सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकते हैं क्या? ये ऑनलाइन शादी करने वाली स्कीम किसके लिए है? 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए। अच्छा मोदी जी, कोरोना में शादी कौन करता है? जिसमें दम होता है। अब तो ये भी बता दो मोदी जी, मैं शादी करने के बाद उसे हनीमून पर कहाँ ले जाऊंगा? बालकनी में। क्या बालकनी में? अरे मोदी जी, घर से थोड़ा दूर बताओ ना। शहर की गलियों में। शहर की गलियों में, ठीक है। धन्यवाद मोदी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।